सत्य और तथ्य का, रात का सत्य और तथ्य बहुत जरूरी है। सत्य और तथ्य में आज की दो बड़ी खबरों का मैं एक्सरे करूंगा। जैसे एक्सरे इंसान के शरीर के अंदर तक झांक सकता है, ठीक वैसे ही इन दोनों खबरों की तह तक मैं आपको ले जाने का आज प्रयास करूंगा। पहला एक्सरे बंटवारा पॉलिटिक का होगा, जबकि दूसरा एक्सरे विरासत टैक्स वाली सियासत का होगा। और ये दोनों ही टॉपिक आजकल सियासत के ट्रेंड है। दरअसल बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए कभी आरक्षण वाली चाल चलती है तो कभी नॉर्थ वर्सेस साउथ में डिवाइड पैदा करने की कोशिश करती है। आपको याद होगा कि 2021 में राहुल गांधी ने तिरुवंतपुरम में कहा था कि दक्षिण के मुकाबले उत्तर भारत के लोगों की सतही राजनीति करते हैं, ऐसी सोच है। बीते साल दिसंबर में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा था कि बिहार के डीएनए से बेहतर तेलंगाना का डीएनए है। ऐसा नहीं है कि एक ही देश में अंतर पैदा करने वाली भाषा आजकल से इस्तेमाल हो रही है। इसकी जड़ें कितनी मजबूत हैं, कितनी गहरी है, ये समझाने के लिए मैं आपको एक बयान सुनवाता हूं, सुनिए। The area that is Pakistan, much of it was not a separate country. I mean, South India was, but North India and Pakistan geographically is so many common things. तो ये है पंडित नेहरू, कांग्रेस के संस्थापकों में से एक हैं और गांधी परिवार के सबसे बड़े नेता हैं। पंडित नेहरू दक्षिण भारत को अलग देश की तरह बता रहे हैं, जबकि अलग देश पाकिस्तान को बाकी भारत जैसा कह रहे हैं। हालांकि ये सच है कि पाकिस्तान भी हमारा ही हिस्सा था, जिसके धर्म के आधार पर दो टुकड़े होने दिए गए। तब भी नेहरू जी ही मैन इन कमांड थे। अक्साई चिन भारत से छीना तो नेहरू ने भरी लोकसभा में कह दिया था कि वो तो बंजर जमीन थी, चली गई तो क्या हुआ। दक्षिण में कचातीवु द्वीप श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया गया था। कश्मीर का मुद्दा यूएन तक पहुंचा दिया गया था, जिसके बाद पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का जन्म हुआ। यानी बंटवारा पॉलिटिक्स का शायद सिद्धांत ये था, जहां फायदा नहीं है वहां उस हिस्से से हमारा कोई नाता नहीं है। आज का दूसरा एक्सरे है उस सोच से जुड़ा, जिसका जन्म वामपंथी किताबें ज्यादा पढ़ लेने से हो जाता है। राजीव गांधी के मित्र, गांधी परिवार के करीबी और कांग्रेस ओवरसीज के चेयरमैन सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा, उनका ये असली नाम है उर्फ सैम पित्रोदा, ने आइडिया दिया कि भारत में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके बाद उसकी संपत्ति का आधा हिस्सा टैक्स के रूप में सरकार के पास चला जाए। यानी व्यक्ति जब तक जीवित है तब तक इनकम टैक्स दे, सर्विस टैक्स दे, तमाम तरीके के टैक्स दे, लेकिन जब उसकी मृत्यु हो जाए तब भी उससे टैक्स लिया जाए, और वो होता है विरासत टैक्स। उसका आधा हिस्सा सरकार को टैक्स के रूप में दे दे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस विरासत टैक्स की बात सैम पित्रोदा जी कर रहे हैं, उसकी वकालत कर रहे हैं, उसे 1985 में राजीव गांधी की सरकार ने रद्द कर दिया था। और क्यों रद्द किया था जानिए। यानी भारत में पहले से जो टैक्स वसूला जाता था, लेकिन इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो अपने पहले ही बजट में इस टैक्स को उन्होंने खत्म कर दिया। अब बीजेपी का यह बहुत बड़ा आरोप है कि राजीव गांधी ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद उनकी $1,73,000 की संपत्ति की विरासत के रूप में उनके तीन पोते पोतियों यानी राहुल जी, प्रियंका जी और वरुण गांधी जी को ट्रांसफर होनी थी। यानी बीजेपी ने कांग्रेस पे अगर आरोप सही है तो इस विरासत वाले एक्सरे में भी यही नतीजा निकला है कि जिससे अपना फायदा नहीं उस कानून से हमारा नाता नहीं। ये सिर्फ एक्सरे था, क्योंकि एक्सरे बड़ा ट्रेंडिंग विषय है तो मुझे लगा जिन दो खबरों का एक्सरे आपके सामने मैं रख दूं। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना।